हॉरर चैलेंज कर बच्चे को और उसकी माँ को दोनों को भी मार दिया। ऐसे कैसे हुआ? तेरे गले से कुछ हिला ना, I guess। देखे क्या होता? पुड़ी पुड़ी पुड़ी, ये वॉशिंग मशीन किधर से आवाज है? अरे उसको कुछ होगा, हम लोग मर जाएंगे, उसका क्या? ये लाल कैसे आ रहा है? खून है क्या? क्या हुआ? ये बच्चा किधर गया? ये कहाँ गए अंधेरा करके यार? क्या फिर से अंधेरे में कौन से चा... अरे तुम फिर कैंडल लेके आ गए? हाँ संकेत ये सब क्या है? अरे जब भी तुम लोग कैंडल लेके आते हो ना डर लगता है। डर तो लगना ही चाहिए क्योंकि आज हम हॉरर चैलेंज कर रहे हैं। हॉरर और गाइस मैं बताता हूँ, ये हॉरर चैलेंज इतना खौफनाक है कि जब मैंने इसका नाम सुना ना, हाँ मेरे सच्ची में रोंगटे खड़े हो गए थे। नाम क्या है? क्या है नाम? क्या है आज का चैलेंज? है बेबी ब्लू चैलेंज। मतलब वो मैं बेबी डॉल हूँ सोने दी। अरे उमेश नहीं, गोल्डन बेबी नहीं, बेबी ब्लू चैलेंज। ओ तो मैं बेबी डॉल हूँ ब्लू कलर की। उमेश मैं सच्ची बोलता हूँ, उमेश कभी सीरियस हो ही नहीं सकता। इस वीडियो को एक लाइक कर देना तभी उमेश सीरियस हो सकता है। वो सीरियस है हॉरर चैलेंज। मैं इस हॉरर चैलेंज की एक्चुअल स्टोरी बताता हूँ। ओके। यूएसए में ना एक डेजी ब्लू नाम की लड़की थी और उसी की वजह से ये चैलेंज का नाम बेबी ब्लू है। हुआ क्या था ऐसा? हुआ यू के डेजी थी ना, उसका हस्बैंड मिलिट्री में था और उसकी पोस्टिंग हुई थी अफगानिस्तान में। हाँ, तो? और फिर ऐसे हुआ कि उनको एक बेबी हुआ। हाँ, तो वो तो अफगानिस्तान में था, उसको कभी बेबी देखने को ही नहीं मिला था। और इस कपल का जो घर था ना वो गांव के बाहर था, दूर था, तो वहीं पर वो माँ और छोटा सा बच्चा रहते थे। ओके। और ऐसे ही किसी एक रात ना उनके घर पे चोरों ने हमला कर दिया था। और चोरी करने के चक्कर में उन्होंने बच्चे को और उसकी माँ को दोनों को भी मार दिया। और तभी से ऐसा बोला जाता है कि उस बच्चे का और डेजी का दोनों का भूत ऐसे ही घूमता रहता है। लेकिन ये चैलेंज करेंगे कैसे? तुम्हें जहाँ करना है चैलेंज वहीं पे लेके चलता हूँ और फिर बताता हूँ। कहाँ जाना है? आ जाओ। अरे कहाँ लेके जा रहा है ये? संकेत तुम मिरर के सामने क्यों लेके आया? क्योंकि ये चैलेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं और उसमें से सबसे पहला रूल होता है कि तुम्हें कोई तो घर का आईना चाहिए होता है। ओके। और आगे? आगे हो ये होता है कि तुम्हें पूरी लाइट्स बंद करनी होती है। अच्छा। और सिर्फ कैंडल यूज करनी होती है। आगे? ये चैलेंज रात में 3 बजे के आसपास ही होना चाहिए। अभी तो अभी कितने बज रहे हैं? 3:09 तो अभी एक लास्ट चीज बची है, तुम्हें सिर्फ हाथ ऐसे करके ये चीज बोलनी होती है, बेबी ब्लू बेबी ब्लू आई नो व्हाट दे डिड टू यू। मुझे बात बता, हाथ क्यों ऐसा करना है? ऐसा बोला जाता है कि अगर तुमने 13 बार ये बोला तो तुम्हारे हाथ में वो बेबी ब्लू का भूत आ जाता है। वो बच्चे का भूत आ जाता है? बच्चे का भूत आ जाता है। घर में ना बहुत अजीब सी चीजें होंगी और बहुत कुछ होने लगेगा। ओके। और उसी टाइम पे वो उसकी माँ है ना डेजी ब्लू का भूत आईने में दिखेगा। ओ। और उसको लगता है कि हम बच्चे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। अच्छा, उसको लगता है वो चोर है। तो वो हमें बहुत तकलीफ देगी। पर अगर हमने उस बेबी को कुछ नहीं होने दिया ना तो हमारे साथ कुछ तो अच्छा ही होगा। अगर हम उस बेबी को संभाल नहीं पाए तो फिर वो हमारे साथ कुछ भी कर सकती है। अरे एक काम करते ना, पहले हम बॉयज लोग ट्राई करते, फिर तुम ये गर्ल्स लोग ये ट्राई करना। और संकेत बेबी को तू पकड़ेगा, बेबी को मैं नहीं पकड़ेगा यार। चल अच्छा हम लोग बाहर चलते। उमेश मैंने ऐसे हाथ कर लिए। ओके, तो वो मंत्र बोलना है? मैं बोलूंगा रुक, बेबी ब्लू वेयर आर यू? अरे वेयर आर यू नहीं बोलना है, फिर बेबी ब्लू आई नो व्हाट दे डिड टू यू। कुछ हुआ? नहीं कुछ नहीं। बेबी ब्लू आई नो व्हाट दे डिड टू यू। बेबी ब्लू आई नो व्हाट दे डिड टू यू। बेबी ब्लू आई नो व्हाट दे डिड टू यू। बेबी ब्लू I know what they did to you. क्या हुआ?
ये कैसे हुआ? मुझे क्या मालूम तूने फूंक मारा होगा। मैंने नहीं मारा, फैन वगैरह तो सब बंद है। मैं तो पीछे ऊपर देख रहा था। मैं आगे बोल रहा हूँ, बेबी ब्लू आई नो व्हाट दे डिड टू यू। बेबी ब्लू आई नो व्हाट दे डिड टू यू। चिल्ले का आवाज आ रहा है। कितनी बार हो गया? सात बार हो गया। बेबी ब्लू आई नो व्हाट दे डिड टू यू। संकेत तेरे को नीचे कुछ फीलिंग नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बेबी ब्लू आई नो व्हाट दे डिड टू यू। कुछ नहीं हो रहा है उमेश। नहीं होता होगा भाई संकेत, कुछ भी ऐसा आप लग रहा है। चल एक और बार बोल। हाय सब लोग। अरे नहीं, वो अभी दसवीं बारी है वैसे भी, बोल फटाफट। और बेबी ब्लू आई नो व्हाट दे डिड टू यू। उमेश तूने देखा? तेरा कुछ हिला? ऐसे कैसे हुआ? तेरे गले से कुछ हिला ना? आई गेस क्या हुआ? मेरा टी शर्ट ऐसा लगा किसी ने खींचा। नहीं इधर तो कोई नहीं है। नहीं करते ऐसे कि तभी हो गया। चलना 10 बार बोल दिया, एक और बार बोलो और फिर। बेबी ब्लू आई नो व्हाट दे डिड टू यू। बेबी ब्लू आई नो व्हाट दे डिड टू यू। बेबी ब्लू आई नो व्हाट दे डिड टू यू। ये कैसे आवाज था? एक मिनट, ये वॉशिंग मशीन के अंदर से आवाज है। एक सेकंड, मैं यहां से उठता। मैं बोल रहा हूं यहां से आवाज आ रहा है। एक सेकंड रुको, कुछ गिरा। मुझे मेरे हाथ को हाथ लगा, तू कितना ठंडा है देख। तू देखा? अरे तुम लोग क्यों हाथ लगा रहे हो यार बच्चे को? तुम लोग कहां से आ रहा है यार? तुम से तुम लोग को आ रहे हैं बच्चे के रोने का आवाज। उमेश अगर गलती से भी बच्चा गिर गया, उसको कुछ हो गया ना तो अरे उसको कुछ हो गया, हम लोग मर जाएंगे उसका क्या? नहीं, लग रहा है तुझे कुछ? हाँ मुझे हैवी जैसा क्यों लग रहा है? अबे तेरा हाथ तो, तू बोल रहा था ठंडा है, नॉर्मल तो हो गया था हाथ तेरा। ये देख प्रीति का हाथ ठंडा हो गया है। ओए भगवान, ये तुम लोग क्या कर रहे हो यार? प्रीति बोल रही है उसको फील हो रहा है। तुम लोग ही लेके आए थे ना? प्रीति तो बोलना उसको कि माफी मांग, तुम कुछ भी कर प्रीति, उसको बोल कि हाँ मैं माफ करती हूँ। देखो हम लोग भी माता पिता है तो हाँ। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। हमें पता है कि तुम बहुत तकलीफ में, बहुत दुख में। हम तुम्हारे साथ कभी ऐसा मजाक नहीं करेंगे। हम लोग ना इस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। हम लोग वो गुंडे नहीं है जो तुम्हारा बच्चा छीनने आए। हम बहुत अच्छे लोग हैं। प्लीज तो प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ। पर मुझे क्या लगता है उसे हिंदी नहीं समझती होगी। हाँ भे, ये तो हमने सोचा ही ना यार, वो यूएसए की, तो उसको हिंदी कैसे आती है? तेरे पास यूएसए का पासपोर्ट है प्रीति? चुप बैठो ना यार, वैसे भी चीजें शांत हो गई अभी, ऐसा लग रहा है वो चली गई यहाँ से। तू एक काम करना है, एक बार इंग्लिश में बोलते रहे। डेजी ब्लू वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज लीव अस अलोन। उमेश क्या कर रहा है तू? तूने क्यों आई नहीं? वही तो नहीं हिलाया, मैंने नहीं हिलाया। अब तो मेरा हाथ तुम्हारे सामने था, मैंने नहीं हिलाया। मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को, मेरे को नहीं आना कि तू आईने के सामने खड़े रहे। वो क्या चाहिए हम लोग से? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला था वो डेजी ब्लू है ना, वो आ जाती है आईने के अंदर और फिर बेबी को देखते रहती है हमेशा। अरे मेरे कान में ना कुछ तो चल रहा है, ऐसे लग रहा है। देख जरा सा, मक्खी वक्की गई रहेगी यार। तू बच्चे को संभाल ला यार अच्छे से। ये लाल कैसे आ रहा है? खून है क्या वो? अरे यार कुछ हो रहा है, पीछे से आओ। मैंने सच्ची बोलता हूँ, पीछे कुछ देखा, पीछे से कुछ जलता हुआ चीज नीचे गिरा। एक सेकंड देख, वहां देख, उधर कुछ और क्या है? मैं तुम्हें बोल रहा था ना, ये देख संकेत, ये देख। तभी मुझे जलना
ये देख जला हुआ है, देख इसका, ये देख यहाँ पे जला हुआ है ये कपड़ा देख। मैं बोला पीछे मेरे को कुछ दिखा जलता हुआ, जल रहा था। मैंने बोला था चैलेंज पर, ये तो सच्ची बहुत डिफिकल्ट चैलेंज है यार। प्रीति मैं बोलता हूँ प्लीज प्लीज तो हम सबको माफ कर दो प्लीज। ऐसी गलती नहीं, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज लीव अस अलोन, प्लीज प्लीज टेक योर बेबी विद यू, प्लीज प्लीज। अरे प्रीति हाथ मत छोड़ यार, हाथ ऐसे सामने से रख यार। मोमबत्ती कैसे बुझी? अरे किसने फूंक मारी क्या, पागल हो गए तुम लोग? उमेश वो किधर है यार, वो ढूंढ माचिस किधर है? माचिस तेरे पास था ना? माचिस मेरे पास नहीं था, माचिस तेरे पास था। अक्षदा तेरे पास है? नहीं मेरे पास भी नहीं है। तुम लोग जल्दी जाओ, लेके आओ, जा रहा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। मेरे साथ चल उमेश, मेरे साथ चल अक्षदा। तू प्रीति को हाथ पकड़ के रख, उसका हाथ हैवी हो गया है। फोन किधर है संकेत? माचिस उधर है, मैंने मोबाइल मिल गया है, फ्लैश लगा दी है। बुझी उधर देख, ये जल्दी दो माचिस यार, क्योंकि मोमबत्ती के लाइट में ही चैलेंज हो सकता है। जल्दी 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 माचिस ले, माचिस ले, उठ के ये कर ले। जहाँ पर है तेरे, कहाँ गया यार, कहाँ गया ये, कहाँ गया, ऐसे क्यों पड़े हो प्रीति? क्या हुआ, वो बच्चा किधर गया? बच्चा कहाँ पर है? कहाँ गए दोनों? कहाँ यहाँ, ये कैसे, ये क्या, खिलौने हैं, कहाँ गए?